Hi friends, how are you all? Welcome to my channel Happy Gardening with Meha. I'm your gardener friend Meha. Friends, आज मैं आपसे अपने इस ब्यूटीफुल से मिनी चांदी प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में बात करूंगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। ये बेसिकली एक श्रब है जो आप अपने घर में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। सो आज हम इसकी कंप्लीट केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, मिनी चांदनी के बहुत सारे नाम हैं। जो इसका रियल नेम क्रेप जैस्मिन है, इसको चाइनीज जैस्मिन, चाइनीज टैगर एंड पिन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें एक डबल चांदनी के नाम से वैरायटी आती है जिसमें जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, एंड इवन द फ्लावर का साइज होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। इस प्लांट पे जो फ्लावर आता है वो बहुत छोटा सा आता है, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स इस प्लांट पे आते हैं जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए इस प्लांट को बहुत सारे लोग बॉन्ज़ाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड आप इस प्लांट को अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं, ये बहुत आराम से आपके अकॉर्डिंग ग्रो कर जाती है, बहुत सुंदर लगती है। बट हाँ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक आउटडोर प्लांट है, सो ये घर के अंदर ग्रो नहीं करता। इस प्लांट को आप हमेशा ही आउटडोर में लगाइए। एंड अगर हम इस प्लांट की केयर की बात करें तो सबसे पहली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी सनलाइट ही है, बिकॉज ये प्लांट एक फुल सनलाइट में ग्रो करने वाला प्लांट है, एक सन लविंग प्लांट है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, कम से कम 8 घंटे की धूप तो इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आपके घर में कोई ऐसी बालकनी है जो ईस्ट फेसिंग है, या फिर कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पे जो ईस्ट फेसिंग है वहाँ पर आप इसको रखें, वो इसके लिए बेस्ट है। बिकॉज वहाँ पर इसको मॉर्निंग से आफ्टरनून की बहुत अच्छी सनलाइट इसको बहुत अच्छे से मिलेगी, एंड ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर ईस्ट फेसिंग नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी रख दीजिए जहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है, एंड ये प्लांट आराम से ग्रो करेगा। सेमी शेड में भी चल जाता है, बट वहाँ पे भी कुछ आर्स की धूप इसको मिलनी चाहिए। जो कम्प्लीट शेडी प्लेस होते हैं वहाँ पर ये प्लांट ग्रो नहीं होता, बिकॉज इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सनलाइट ज़रूर चाहिए। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्लांट को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको अच्छे से सनलाइट मिले। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें इस प्लांट को किस तरह की सॉइल मिक्सचर चाहिए, सो ये प्लांट थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद करता है। सो आप ध्यान रखें कि आप जब भी इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं सो थोड़ा सा एसिडिक बनाएं, एंड जब आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो बेसिक सॉइल मिक्सचर में आप इसमें 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, एंड 20% सैंड ले सकते हैं। अगर आपके पास काउटंग कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह के सॉइल मिक्सचर में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, एंड सॉइल हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो जो आपका मिक्सचर जो हम इसे सैंड मिलाते हैं उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बनती है, उसमें एक्सेस वाटर अननेसेसरी इकट्ठा नहीं होता। बिकॉज ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से प्लांट में रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सकती है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है। इस प्लांट को आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 इंच के पॉट में लगाएं, बिकॉज ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप थोड़े बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी इसको इसका पॉट चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत आराम से काफ़ी टाइम तक उसी के अंदर ग्रो होता रहेगा, एंड इसकी रूट्स को प्रॉपर स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके लिए है वो है वाटरिंग। हमें किस तरह का वाटर शेड्यूल इस प्लांट के लिए तैयार करना है। सी, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है, सो आपको इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की नीड नहीं है। जब भी आपको लगता है कि इसकी जो मिट्टी वो ड्राई हो रही है तब आप इसको पानी दीजिए। जब भी आपको लगे कि मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो इसके सूखने लगे तभी आपको इसको पानी देना है। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, लाइक देखेंगे आप, इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक मिट्टी में इस तरह से नमी होती है तब तक आपको इसको पानी नहीं देना है। थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल तो प्लांट पसंद करता है, लेकिन अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉगी है या उसमें पानी रुका हुआ है तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, बिकॉज ये प्लांट बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप करता है, तो उसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना है कि पानी आप तब देंगे जब आपको इसके ऊपर की लेयर सूखी हुई दिखाई दे, अननेसेसरी वाटरिंग हमें नहीं करनी है। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है,
अब काफ़ी बारिश होंगी, सो आपको उस टाइम पे इस प्लांट को बचाना है, बिकॉज अगर इसमें बहुत ज़्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो आप इसको कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े, यू नो, किसी शेडी प्लेस में आप रख सकते हैं। थोड़ी बारिश तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, बट जब रेगुलर 3-4 डेज तक रेन होती है एंड बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है प्लांट्स में, उस टाइम पे प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें रेनी सीजन में इस प्लांट को बचाना है। अगर हम इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हम लोग जो चाय पत्ती होती है जो बच जाती है चाय बनाने के बाद, उस चाय पत्ती को आप वॉश कीजिए एंड अच्छे से वॉश करने के बाद उसे आप साइड से इस प्लांट के अंदर डाल सकते हैं, पॉट के साइड में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पॉट की जो सॉइल है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी एंड आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्लस आप चाय पत्ती का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके इस पर, यू नो, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जो प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बारिश के बाद इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो अब इसका टाइम आ रहा है जो बहुत भर भर के फ्लावर होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे बिकॉज ऑफ द लाइट, बट अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है, छोटे छोटे फ्लावर्स मेरे इस प्लांट पे आ रहे हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। प्लस बहुत सारे इसमें न्यू बड्स बनी हुई हैं जिससे कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। चाय पत्ती के अलावा आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बनाने के छिलके होते हैं उनका आप 2-3 दिन तक के लिए ना पानी में भिगो के रख दीजिए एंड उसके बाद उस पानी को छान के आप अपने प्लांट को दीजिए। इनफैक्ट आपने काफ़ी सारे प्लांट्स को दे सकते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड आप इसमें वर्मी कंपोस्ट साल में 2-3 बार दे सकते हैं या फिर आप इसमें काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर हम पेस्ट अटैक की बात करें तो इस प्लांट पर जनरली कोई पेस्ट अटैक होता नहीं है, बट अगर आप सेफर साइड चाहते हैं तो ना जैसा बाकी प्लांट्स पे नीम ऑयल स्प्रे करते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस प्लांट पर जनरली कोई भी पेस्ट अटैक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आराम से ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल श्रब की तरह ग्रो करता है, सो देखने में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर हम इस प्लांट की प्रूनिंग की बात करें तो आप क्या कर सकते हो ना, जब भी आपको लगता है कि इसकी जो भी स्टेम्स या लीव्स, जैसे कि आप देखें जो भी फ्लावरिंग आपको लगती है कि वो आके इसमें फिनिश हो चुकी है, आप फ्लावरिंग हो चुकी है, उनको आप इस तरह से तोड़ के हटा सकते हैं या आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं बिकॉज अब इसका ग्रोइंग पीरियड है। अगर आप उसको थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग करनी है तो वो आप इसकी विंटर में जब ये डोमेंसी पीरियड होगा उस टाइम पे कर सकते हैं। सो अभी इसकी ग्रोइंग पीरियड है, आप इसकी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए जिससे कि जहाँ से भी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे वहाँ से इसमें और न्यू शूट्स डेवलप होंगे, न्यू ब्रांचेस डेवलप होंगे और आपका प्लांट और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसके अलावा इस प्लांट में ज़्यादा कुछ केयर के लिए है नहीं, यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी केयर से ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लाइट की वजह से आप देख नहीं पा रहे बिकॉज अभी भी इस पर कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका एक क्लोजर लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल सा एक प्लांट है ये। लुक एट द क्लोजर लुक फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। अगर आप देखो इस पर कितने प्यारे फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, इसीलिए इसको मिनी चांदनी कहते हैं बिकॉज जो इसका डबल चांदनी वाला प्लांट होता है उस पर बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। एंड अगर आप देखो इस पर धीरे धीरे बड्स डेवलप होने लगी हैं, काफ़ी सारी न्यू बड्स डेवलप हो रही हैं पूरे प्लांट पे। तो आने वाले टाइम में मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। सो यही बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड इन बेसिक टिप्स के साथ में आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए न्यू बड्स आ रही हैं, न्यू फ्लावर्स निकल रहे हैं। सो अब ये प्लांट मेरे घर के अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुका है, सो नाउ इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा एंड इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। इस प्लांट को आप बहुत आराम से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें तो स्टेम कटिंग से ये प्लांट बहुत आराम से प्रोपोगेट हो जाता है। सो आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसकी एक हेल्दी स्टेम है, जो बहुत अच्छे से ग्रो की हुई स्टेम है, उस स्टेम को आप कट कीजिए एंड उस स्टेम को अगर आप प्रोपोगेट करेंगे तो बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो कीजिए एंड अपने मिनी चांदनी प्लांट को और भी ज़्यादा बुशी बनाइए एंड मेरे साथ गार्डनिंग कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स डू हैप्पी गार्डनिंग विद मेहा। बाय, टेक केयर।